शहादरा के साइबर थाना पुलिस ने सेना अधिकारी बनकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले मेवात के दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 500 से ज्यादा लोगों से 60 से 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। बता दें कि डीसीपी शहादरा रोहित मीणा के मुताबिक पीड़ित आकाश पंचाल ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ महिपालपुर में सेना कैंप परिसर में पानी के टैंकर की आपूर्ति के नाम पर 3.2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उनके साथ किसी ने सेना का अधिकारी बनकर टैंकर का सौदा कर लिया और जब उन्होंने सेना कैंप में टैंकर भेजा तब सेना कर्मियों ने ऐसे किसी भी काम का ठेका दिए जाने से इनकार कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने आरोपी के नंबर की जांच की। इसके आधार पर हरियाणा के मेवात में नुह इलाके से दो सगे भाइयों इलियास और यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें हमें कंप्लेन रिसीव हुई थी आकाश पंचाल नाम के व्यक्ति से, वो वाटर टैंक सप्लाई का काम करते हैं। तो हमने इसमें तो उन्होंने एक आर्मी एक बंदा जिन्होंने आर्मी बन के उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने आर्मी टैंक सप्लाई का डिमांड की। उन्होंने उनके बीच में आपस में बातचीत हुई, फिर उन्होंने बोला कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। इस बातचीत में उन्होंने फिर उनसे ठग के 3,26,000 लगभग ट्रांसफ़र करा लिए। जब उनका सामान डिलीवरी करने वहाँ पहुँचे तो आर्मी वालों ने सख्त मना कर दिया कि ऐसा हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है और आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। इस मामले में हमने इसको केस रजिस्टर किया चीटिंग का और निर्धारित धाराओं में केस रजिस्टर करके हमारी टीम जब इसमें हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, अकाउंट्स जिसमें पैसा गया, IPDR जो एनालिसिस की और साथ ही साथ काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उन्होंने जीरो इन किया ये इनकी लोकेशन मेवात में आ रही है। हमारी टीम ने ACP संजय और सब इंस्पेक्टर नंदन के नेतृत्व में वहाँ पे और पूरी टीम ने वहाँ पे रेड कंडक्ट की मेवात में और वहाँ पे इन्होंने दो एक्यूज्ड नहेदा गांव है जो मेवात में वहाँ से इनको अरेस्ट किए। इनका नाम है इलियास जिसकी उम्र 30 साल है और एक का नाम यूसुफ जिसकी उम्र 25 साल है। इनको जब इंट्रोगेट किया गया और इनसे जो हमने फ़ोन बरामद किए, 4 फ़ोन बरामद किए, तो हमने देखा इसमें इन्होंने कई तरह के इन्होंने कई विक्टिम्स के साथ इन्होंने सेक्सटॉर्शन भी कर रखा है जिसमें कुछ संदिग्ध हमें वीडियोज भी मिले हैं और जिनके साथ इस तरह की घटनाएं की हैं। और ये रोज़ाना करीब ऐसे 8 से 10 वेंडर्स को टारगेट कर रहे थे। ये जस्ट डायल से वेंडर्स की डिटेल्स लेते थे, वहाँ पे वो वेंडर्स के नाम होते थे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते थे, उनसे कॉन्टैक्ट करके सप्लाई अलग अलग सामान की सप्लाई की डिमांड करते थे कि कभी स्क्रू ड्राइवर बनाना है, कभी वाटर टैंक खरीदना है, जो भी जस्ट डायल पे सामान बिकता है उसको वो उसका ऑर्डर प्लेस करने की वो करते थे। और फिर जो व्यक्ति को बेवकूफ़ बना के पूरा वो फेक GST नंबर आर्मी का जनरेट करके और काफ़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ व्यक्ति को चीट करके और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते थे। लगभग अभी हमने इसमें 27 लाख से ज़्यादा का हमने पैसा ट्रांसफ़र इसमें अभी कुछ अकाउंट्स में देखा है और भी अभी अकाउंट्स खंगाल रहे हैं। जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसमें हमने 71 कंप्लेंट्स इसमें सिर्फ कुछ नंबर से लिंक हुई है। हमें एक्सपेक्टेड है कि इसमें हम करीब 400 से ज़्यादा इसमें कंप्लेंट्स इसमें लिंक होने की संभावना है और इन अकाउंट्स में और भी भारी ट्रांजेक्शन की संभावना है। जब इनको इंट्रोगेट किया गया तो इन्होंने बताया कि गाँव में इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो उस पर भी हमारी भी जाँच जारी है। ठीक है सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।